हेलो एवरीवन रोन ये है दिसंबर 2024 की लव आरो रीडिंग आई एम वेरी सॉरी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग्स लेट हो गई वीकली भी नहीं अपलोड हो पाया एक्चुअली मैं पीछे बहुत ट्रैवल कर रही थी मुझे एल ए विजिट करना पड़ा अपनी सिस्टर को और अभी मैं इंडिया में हूँ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल होती है ना टाइम जोन डिफरेंस की वजह से बड़ा हॉटपॉट हो जाता है इतना मैंने ट्राई किया कि मैं आपके लिए वीकली अपलोड कर दूँ आपका मंथली टाइम से जाए बट नहीं हो पाया एंड आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और अभी भी देखिए दिसंबर मंथ पूरा बाकी है आज फोर्थ दिसंबर है आपकी मंथली रीडिंग अपलोड हो गई है और बहुत जल्दी ईयरली रीडिंग्स भी अपलोड हो जाएंगी एंड आई एम कमिंग अप विद वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर 2025 सो स्टे ट्यून्ड और चलिए जी आपकी मंथली रीडिंग शुरू करते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ़ में क्या होगा आपके पार्टनर की आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशि हो आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं तो चलिए एक इंसिडियंस आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ़ में क्या होगा मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ़ कार्ड्स हैं फर्स्ट सेट ऑफ काज में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे सेकेंड सेट ऑफ काज में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ काज में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं बटरफ्लाई एंड सिक्स ऑफ सोल्स रिवर्स और ये कार्ड्स कहते हैं कि एक मूवमेंट एक शिफ्ट अपने रिलेशनशिप में या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आप कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में चाहते हुए दिख रहे हैं लेकिन ये मूवमेंट ये शिफ्ट नहीं हो रही है अब देखिए सबके लिए डिफर करेगा लेकिन डीपर लेवल के लिए बटरफ्लाई का कार्ड करेंट फेस टू बेटर फेस की बात करता है यानी कि कुछ चीज़ों को आप बेहतर करना चाह रहे हैं इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या फिर अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं इन अ बेटर वे और उसी से ही रिलेटेड अगेन छोटे मोटे इश्यूज़ मसले या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें रुकी हुई हैं स्टक हैं आगे नहीं बढ़ रही हैं कुछ कैंसिंस के लिए हो सकता है आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि मेंटल इमोशनल लेवल पे कुछ चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं अब देखिए ये सब कैंसिंस के लिए डिफ़र करेगा कुछ के लिए ये हो सकता है कि पीछे कोई चीज़ हर्ट करी बुरी लगी आप उसको अपने मन से निकालना चाह रहे हैं नहीं निकाल पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है किसी बात को आपने पकड़ कर रखा हुआ था आप उसको लेट गो करना चाह रहे हैं तो कहीं देखिए आगे बढ़ने से रिलेटेड मेंटल इमोशनल फिज़िकल किसी भी लेवल पे छोटे मोटे इश्यूज मसले रह रहे हैं और डीपर लेवल के लिए बटरफ्लाई का कार्ड कहता है चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं और उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कहीं मिड दिसंबर के लिए येस एंड यस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि एक नई बिगनिंग आप अपनी तरफ से रिलेशनशिप में कर रहे हैं या फिर उसके लिए एक इनिशिएटिव ले रहे हैं एंड येस yes का कार्ड कहता है कि, कि किसी चीज़ के लिए आप येस yes कह रहे हैं हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए परस्यू कर रहे हैं और आप उनको 100 परसेंट यस नहीं बोल पा रहे थे और अभी भी देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने बोल दिया बट डीपर लेवल के लिए आप एक 100 परसेंट यस किसी चीज़ को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं कुछ कंसीडेंट्स के, के लिए हो सकता है कि आप लिटरली यू you नो know, अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए यस कह रहे हैं इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेकर यस कह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आपने अभी कहा नहीं है लेकिन मन ही मन आप काफ़ी श्योर किसी चीज़ को लेकर होते हुए दिख रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक नई बिगनिंग की बात करता है तो पार्टनर के साथ एक नई बिगनिंग आप चाह रहे हैं अपनी तरफ से फिर से मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स नई बिगनिंग के लिए कर रहे हैं अब देखिए नई बिगनिंग अगेन सबके लिए डिफर करेगी लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं कॉन्क्रीट रियलिस्टिक प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों के होने की बात करता है कितनी बारी होता है ना हम सिर्फ बातें कर रहे हैं हम सिर्फ एक ख्वाब देख रहे हैं या फिर ख्या ख्याली प्लाव बना रहे हैं लेकिन कुछ भी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक नहीं कर रहे हैं या उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो कहीं देखिए दिसंबर मिड में आप ख्याली प्लाव नहीं बनाते हुए दिख रहे हैं कैंसि आप सिर्फ बातें नहीं करते हुए दिख रहे हैं कॉन्क्रीट लेवल पे इस रिलेशनशिप को एक नाम एक यू नो आइडेंटिटी देना चाह रहे हैं वैन ऐसे आइडेंटिटी मतलब जब शादी होती है तो कहीं एक नाम मिल जाता है रिलेशनशिप को हाँ जी मैरिड हैं या एक कमिटमेंट आ जाती है एक श्योरिटी आ जाती है एक यू you नो know, स्टेबिलिटी आ जाती है तो उस तरीके की एक एनर्जी आप इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं या फिर से कहूँगी इसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और एंड दिसंबर के लिए क्रॉस रोड्स एंड टेन ऑफ सोट्स के कार्ड्स कहते हैं कि कोई चीज़ या तो एंड हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं और कहीं टेन ऑफ सोट्स का कार्ड विक्टिम कॉन्शियसनेस की भी बात करता है तो छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने मन में बहुत बड़ा बनाते हुए दिख रहे हैं या फिर छोटी चीज़ को भी आप ज़्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हैं क्रॉस रोड्स का कार्ड कहता है कि दिसंबर एंड में आपको ऐसे लग सकता है कि आप उस मकाम पे हैं इस रिलेशनशिप में जहाँ पे आगे आप क्या चाहते हैं आपको अभी भी नहीं पता तो देखिए कहीं मिड दिसंबर के लिए बहुत एक श्योरिटी आप जिस भी चीज़ के लिए महसूस कर रहे थे कहीं एंड दिसंबर में उसी चीज़ को लेकर किसी लेवल पे आप डाउटफुल हो सकते हैं क्योंकि क्रॉस रोड्स का कार्ड डिसीजन की बात करता है चॉइस की बात करता है कहीं यू you नो know, एक ऐसे चौराहे या मकाम पे खड़े होने की बात करता है जहाँ से थोड़ा सा सोचना या फिर मैं कहूँगी डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सी रोड ली जाए क्योंकि जब आप चौराहे के बीच में खड़े होते हैं आपके सामने चार रास्ते होते हैं अब कौन सा रास्ता लें ये कभी कभी यू नो लाइफ में मुश्किल हो जाता है सोचना तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज क्रॉस रोड्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है और कुछ ऐसा ही आप कहीं एंड दिसंबर में महसूस कर सकते हैं कि भाई मेरे सामने ये तीन चार पाँच छः या कितने भी रास्ते हैं मुझे क्या रास्ता लेना चाहिए एंड अब देखते हैं कंसेजेंस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं तो आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं बुके एंड फोर ऑफ सोल्स तो देखिए एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज ये दोनों कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं मन ही मन वो आपके साथ एक बहुत ही खुशहाल रिलेशनशिप खुशहाल रिश्ता चाहते हुए दिख रहे हैं हो सकता है कि आपको सरप्राइज़ करना चाह रहे हैं आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं लेकिन सर्फेस लेवल के लिए या तो एक्शन इनिशेटिव नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं अब देखिए फिर से सिचुएशन सरकमस्टांसिस सब कंसिडियंस के पार्टनर के लिए डिफर करेंगे कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में इतने ऑक्यूपाइड हैं इतने बिजी हैं कि पर्सनल फ्रंट के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि उतने मोटिवेटेड उतने एक्साइटेड नहीं महसूस कर रहे हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए बुके का कार्ड डेफिनेटली कहता है कि उनके मन में प्यार है वो एक खुशहाल आपके साथ रिश्ता चाह रहे हैं और हो सकता है कि यू नो हमेशा के लिए एक हैप्पीनेस चाह रहे हैं शादी चाह रहे हैं बट फिर से मैं कहूँगी सरफेस लेवल के लिए जितना वो मन ही मन फील कर रहे हैं उतना वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं एंड मिड दिसंबर के लिए फिश एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं अगेन मन ही मन उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनके सोल मेट हैं आप उनके ट्विन फ्लेम हैं एक स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं लेकिन कहीं सरफेस लेवल के लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है डिस्कशंस कर रहे हैं अब देखिए ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स के डिस्कशंस होते हैं बड़े कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल लेवल पे होते हैं मतलब कोई मुद्दा है जिसके बारे में बातचीत हो रही है अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ फन मज़ा मस्ती के लिए या फिर बहुत लाइटली वो भी चीजों को नहीं लेते हुए दिख रहे हैं मिड दिसंबर में कहीं हो सकता है अपने फैमिली से अपने से या किसी से वो इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच में जो भी बातें हो रही हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं शायद किसी लेवल पे हो सकता है काउंसलिंग एडवाइस या फिर गाइडेंस किसी से वो चाहते हुए दिख रहे हैं लेकिन उस तरीके की गाइडेंस एडवाइस उनको नहीं मिलती हुई दिख रही है एंड कहीं एंड दिसंबर के लिए एस ऑफ वॉन्स एंड बियर के कार्ड कहते हैं बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाजम एक्साइटमेंट मोटिवेशन आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए वो महसूस करेंगे तो देखिए जो उनकी दिसंबर स्टार्टिंग की एनर्जी है कहीं दिसंबर एंड में एकदम से कंट्रास्टिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिसंबर स्टार्टिंग में थोड़े से यू नो विड्रॉ कर रहे हैं या फिर अगेन उतने मोटिवेटेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं और कहीं दिसंबर एंड में उनकी तरफ से बहुत जबरदस्त एक एक्शन इनिशिएटिव्स हो सकते हैं और कहीं दिसंबर एंड में वो भी आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते, चाहते दिख रहे हैं बियर का कार्ड भी एग्रेशन की बात करता है एस ऑफ वॉन्स का कार्ड भी कहीं एंथुजियाजम एक्साइटमेंट मोटिवेशन की बात करता है और दोनों ही कार्ड्स को कंबाइन कर दें तो फिर से कहूंगी बहुत जबरदस्त एक एनर्जी लेवल एंथुजियाजम एक्साइटमेंट मोटिवेशन आपके लिए महसूस कर रहे हैं और काफी प्रोटेक्टिव भी इस रिलेशनशिप के लिए होते हुए दिख रहे हैं इतना कि आपको ऐसे लग सकता है कि आपके पार्टनर ऑब्सेसिव हो रहे हैं काफ़ी और थोड़े या फिर मैं कहूँगी काफ़ी आपको लेकर पोजेसिव भी होते हुए दिख रहे हैं एंड पोजेसिव एंड ऑब्सेसिव इन अ पॉजिटिव वे यानी कि नेगेटिव वे में ऑब्सेसिव और पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं एक पॉजिटिव वे में उनकी तरफ से ऑब्सेसिव पॉजिटिव एनर्जी रह रही हैं जो कि बहुत हेल्दी भी होता है रिलेशनशिप के लिए और अब देखते हैं कैंसेरियंस की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो देखिए दिसंबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड मे के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं और हो सकता है कि अगेन कॉन्क्रीट एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं लेकिन मन ही मन आप दोनों ही किसी चीज़ को लेकर डाउटफुल हो रहे हैं अब देखिए कुछ के लिए या इक्का दुक्का के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर दिसंबर स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से डाउटफुल हो रहे हैं कुछ के लिए कोई भी और चीज़ हो सकती है जैसे होता है ना कि हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी है तो हमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है पता नहीं वो मानेंगे नहीं मानेंगे पता नहीं हमें बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए या यू you नो know, शादी से ही रिलेटेड बात हो रही है तो होता है कि यार नेक्स्ट ईयर करें या फिर उससे नेक्स्ट ईयर शादी करें तो उससे रिलेटेड डाउट तो किसी भी चीज़ को लेकर एक डाउट महसूस कर रहे हैं यहाँ पर जो भी मैंने आपको कहा ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं सब कैंसेरियंस के, के लिए डिफ़र करेगा कुछ के लिए अगेन जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए उन्हीं से रिलेटेड एक डाउट हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर एक डाउट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं और कहीं मिड दिसंबर के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ट्स एंड टावर के कार्ड्स कहते हैं सरफेस लेवल के लिए जो भी फीमेल हैं या फिर आप दोनों में से जिसकी भी फेमिन एनर्जीज हैं वो बहुत एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं अगेन बड़े मोटिवेटेड भी रहते हुए दिख रहे हैं और कैंसेरियंस आपके लिए भी हमने येस और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में देखा कि आप हंड्रेड परसेंट येस फील कर रहे हैं आप हंड्रेड परसेंट श्योर हो रहे हैं तो हो सकता है किन्सेजेंस आप हैं नहीं तो फिर से मैं कहूँगी जो भी फीमेल हैं वो बहुत श्योर sure हो रही हैं और बहुत ही इंथुजियाज़म के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स ले रही हैं या फिर कोई और भी फीमेल हो सकती हैं आपकी सिस्टर हो सकती हैं आपके कोई कुलीग आपके कोई फ्रेंड आपके यू you नो know, कोई भी फैमिली मेंबर हो सकते हैं आपके पार्टनर के कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं अगेन उनकी सिस्टर मदर या कोई भी फीमेल उनकी लाइफ में है उनके पर्सनल प्रोफेशनल फ्रेंड में है जो बहुत सपोर्टिव हो रही हैं और जो बहुत मोटिवेट आप दोनों को कर रही हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए लेकिन डीपर लेवल के लिए टॉवर का कार्ड कहता है कि मन ही मन यू you नो know, एक Uh, अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं और कहीं ईगो इश्यूज भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रह सकते हैं और एक बाउंड्रीज भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक क्रिएट कर रहे हैं तो देखिए मिक्स ही एनर्जीज़ हैं या तो आप दोनों में से कोई एक बहुत एंथुजियास्टिक मोटिवेटेड एक्साइटेड हो रहे हैं और दूसरा जन थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं थोड़ा सा एक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लिमिट कर रहे हैं या फिर आप दोनों ही एक्शन इनिशिएटिव तो ले रहे हैं लेकिन मन ही मन एक हेजिटेशन एक रिलेक्टेंस रिलेक्टेंस है किसी भी चीज को लेकर एंड एंड दिसंबर के लिए कॉफिन एंड and... सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग या तो आप दोनों करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस रहें कुछ इश्यूज रहें कुछ मसले रहें और कहीं बहुत ही करेजसली बोल्डली अप्रंट होके इन चैलेंजेस को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक डील कर रहे हैं किसी से भी डर नहीं रहे हैं घबरा नहीं रहे हैं या अगेन आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं लेकिन कंसिडियज आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए बियर एंड एंड एस ऑफ के कार्ड्स थे और आपके लिए क्रॉस रोड्स एंड टेन ऑफ सोड्स के कार्ड्स थे तो फिर से कहूँगी बहुत ज़बरदस्त एक विल पार डिटर्मिनेशन रहता हुआ दिख रहा है कुछ भी इश्यूज मसले हैं उनसे लड़ के उन सिचुएशन से फाइट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं डर नहीं रहे हैं घबरा नहीं रहे हैं ये अगेन आप दोनों की एनर्जीज हो सकती हैं या फिर आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं कुछ कंसीडियंस की भी हो सकती हैं और एक्स्ट्रा एफ़र्ट एक्स्ट्रा इनिशिएटिव आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए और जब भी भी हमारी ऐसी एनर्जीज होती हैं तो सक्सेस हमें डेफिनेटली मिलता है तो सक्सेस मिल रहा है लेकिन सक्सेस तभी मिलेगा जब अगेन मैं कहूँगी एक्स्ट्रा एफ़र्ट एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेंगे तो खासकर एंड दिसंबर में बिल्कुल भी विड्रॉ ना करें अगर इस रिलेशनशिप में आ, यू नो हैप्पीनेस चाहते हैं रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि जो भी आप दोनों या आप दोनों का इस रिलेशनशिप से रिलेटेड गोल है मकसद है उसको डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे लेकिन फिर से मैं कहूँगी एक्स्ट्रा एफर्ट एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे अगर थोड़ा सा भी डर गए घबरा गए विदड्रॉ किया तो फिर अपने गोल को जो भी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड है नहीं अचीव कर पाएंगे तो ये था कि आप लोगों के लिए दिसंबर 2024 की लव ट रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर बताएँ